संपर्क इधर रखा था क्योंकि आजम भाई बोले कि अपन आगे जो तो हम इधर काम शुरू करते हैं और उन लोग बोले रजीन भाई ने उनको बोले कि यहाँ सीनियर सिटीजन कार्ड का रखा है, पैसा तो सीनियर सिटीजन कार्ड फ्री में नहीं मिलता है, उसको पैसा लगता है, लेकिन हम लोगों ने यह बंदोबस्त किया है कि सीनियर सिटीजन को फ्री में कैसा कार्ड लगे थे वो हमारे ये आजम भाई कर रहे हैं अपने, तो मैं उसको और रजीन भाई को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, हमारे अभी प्रतिनिधि भाई है, सब लोग यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं उनके थ्रू ये सब काम करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जहाँ तक सेहत का भी बात किया, या दो मेडिकल कैंप रखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक मेडिकल कैंप हमारे जिबेल भाई के स्कूल में होगा, एक मेडिकल कैंप हमारे एडवोकेट हमारे घर का स्कूल में होगा, दो जगह पर रखना जो या लोगों को फ़ायदा होगा। सवाल है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे लोग हैं, हम उनके हैं, हम सब एक मिल के काम करते हैं, तो मोदी साहब के बारे में कुछ बोलना बराबर नहीं है। बहुत पैसे का खेल चला है और वो जो बोला इलेक्शन में उसमें से एक भी बात उसने पूरी की नहीं। वो बोला कि मैं प्रदेश से स्विट्जरलैंड से पैसा 100 दिन में लेके आऊँगा काला धन, और सबके खाते में 15-15 लाख बांटे गए, किसी के खाते में आए, अच्छे दिन किसी को आए नहीं। जवान लोगों को हर साल में 2 करोड़ लोगों को जवानों को नौकरी देगा, नौकरी तो मिली नहीं, उनकी जिनकी नौकरी थी अभी उनका नौकरी भी चली गई, ये उनका जो उसने जो जो लोगों को आश्वासन दिया। महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि आपको सबने बताया कि जहाँ तक हमारे गैस का बात था 319 में कांग्रेस प्लान कर रहा था, अभी 600 के ऊपर गया, 700 तक गया, 700 में आगे जा सकता है। डीजल पेट्रोल का भी भाव बढ़ गया, पेट्रोल का तो अभी मैं 82 के 1 ATM 1 ऐसा हो गया, 81 का 82 हो गया, और डीजल का तो 53 से ऊपर हो गया। ये राज्य में स्वास्थ्य का मंत्री था तो मेरा भी बहुत पहचान है, तो बीमारी के लिए गवर्नमेंट से भी पैसा लेके, चाहे उसका गवर्नमेंट उसका होगा लेकिन ऑफिसर हमारे पहचान के, तो गवर्नमेंट से पैसा लेके बीमारी, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, मस्ती की बीमारी है, इसके लिए हम पूरा मदद करने का कोशिश करेंगे लोगों को।